Hello everyone, in this lecture we have to discuss the remaining topics which is related to curve, unit number 1 of advanced surveying, in which we have to discuss the three remaining topics which is used to setting out of simple circular curve. Two are discussed in our previous lecture and the remaining three are discussed here. जिसमें से पहला हमारा है सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स, यानी कि आर्क जितने बनेंगे उसके बाइसेक्शन करते हुए हम कर्व का फिर से हम लोग सेटिंग आउट करते हैं. इसमें करते क्या है, जैसे हमने दो मेथड आपको पहले बता चुका था, एक था ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड के हेल्प से ऑफसेट कैलकुलेट करके वहाँ से कर्व बनाना, और दूसरा आता है ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट. ये दो मेथड के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम लोग देख चुके थे. तीसरा है हमारा ये सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क के बारे में, यानी कि जो आर्क है उसका बाइसेक्शन करते जाना है और उस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाते हैं और उन्हीं पॉइंट्स को जोड़ करके हम कर्व बना लेते हैं. जैसे माना कि एक हमारा स्ट्रेट लाइन है और दूसरा स्ट्रेट लाइन मिलता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम होता है आई मान लेते हैं, और इसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहा जाता है, और ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल होता है जिसको हम लोग फाई से डिनोट कर लेते हैं. इसके बीच में हमें एक कर्व बनाना है. कर्व का मतलब है इसका रास्ता हमें डाइवर्ट करना है, यहाँ से जा करके इधर नहीं मुड़ना चाह रहे हैं हम, चाह रहे हैं कि यहीं से इसमें हम क्या करें मुड़ जाए, तो यहाँ से हमको एक रास्ता बनाना है, यानी कर्व यहाँ पर बनाना है. तो इसके लिए आपको लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ये कर्व है का जो दोनों सिरा को जोड़ता है स्ट्रेट लाइन, उसको लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कहा जाता है. अब इसमें बाइसेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसको बीच से काटते जाना, बीच जितना बीच हो सकता है उतना बनाते जाते हैं. तो इसमें दो तीन चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं. एक आता है एपेक्स डिस्टेंस, जो कि आपका इसको मान लेते हैं हम एफ पॉइंट, एंड आई से एफ का जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है कर्व का एपेक्स डिस्टेंस. एंड दूसरा जो आता है मिड ऑर्डिनेट, जो कि एफ से आपका यहाँ तक का डिस्टेंस आता है, मिड ऑर्डिनेट आता है. ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको पहले से इसमें पता है कि ये आपका कोई AI एक स्ट्रेट लाइन है और BI भी कोई स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इस पर कर्व पे ये टेंजेंट की तरह ये एक्ट करता है. ठीक है, अब हमको बाइसेक्शन करना है. बाइसेक्शन करने का मतलब क्या हुआ, ये आपका आ गया मिड ऑर्डिनेट वाला पार्ट. बाइसेक्शन करने का मतलब हो गया कि देखिए, जैसे इस तरह से एक कर्व था, जो कर्व आपका पहले से ऐसा था, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, हाँ, जो कर्व एक पूरा अभी तक आप देख रहे हैं, हम इतना का हाफ का यूज करके एक और कर्व बना सकते हैं कुछ इस तरह से. यानी कि अब यह पार्ट यहाँ पर हम मान लेते हैं T1 पॉइंट, तो T1 और F फिर से एक लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड की तरह एक्ट करेगा, जिसमें हमारा लेंथ ऑफ कर्व जो होगा T1 से F तक का होगा. ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे हमको एक T1 से T2 का एक कर्व था, T1 से T2 एक कर्व था, हम इसको बाइसेक्ट कर दिए, दो पार्ट में बांट दिए, T1F और FT2 दो पार्ट में, तो T1F भी एक कर्व की तरह एक्ट करेगा और FT2 भी एक कर्व की तरह एक्ट करेगा. इस पर जो मिडिल पॉइंट होगा ये इसका क्या होगा, मिड ऑर्डिनेट होगा. यह लाइन अगेन इसका मिड ऑर्डिनेट शो करेगा, यह लाइन इसका मिड ऑर्डिनेट शो करेगा. तो पहले जो आपको एक पॉइंट पता हुआ करता था, पहले जो आपको एक पॉइंट, अब आपको कितना पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, दो पॉइंट और एक पॉइंट आपको पहले से पता है, तीन पॉइंट. तो तीन पॉइंट मिला करके भी आप एक सर्कल का निर्माण कर सकते हैं, मतलब एक आर्क का निर्माण कर सकते हैं. आर्क बन जाएगा हाफ और हाफ आर्क यहाँ बन जाएगा, यहाँ भी तीन पॉइंट मिल गया. तो इन छः के हेल्प से भी आप कर्व बना सकते हैं. अगर इसमें भी आपको तकलीफ हो रही है तो आप एक बार और इसको बाइसेक्ट कर दें. मतलब क्या कि T1 से इस पॉइंट तक, इसको M मान लीजिए, इसको N मान लीजिए, तो T1 से M अगेन एक कर्व, यानी कि अगेन आप लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं. सिमिलरली T2 से N का एक अगेन जनरेट कर सकते हैं, तो एक और आपको पॉइंट मिल जाएगा. अब इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ये आपका मिड ऑर्डिनेट की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, ये मिड ऑर्डिनेट की तरह एक्ट करेगा, तो आपको एक पॉइंट और यहाँ पर मिल जाएगा. तो चार पॉइंट यहाँ मिल गया, यहाँ भी लगाएगा तो यहाँ भी आपको चार पॉइंट यहाँ पर भी मिल सकता है. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक दो तीन चार पॉइंट इधर, चार पॉइंट इधर, आठ पॉइंट मिल जाता है, तो इसको मिला करके कर्व बना सकते हैं. अगर यहाँ भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा वैल्यू हो रहा है, अगर कर्व अच्छा से नहीं बन पा रहा है, स्टीपेस्ट नहीं बन पा रहा है, तो एक और कर्व बना लेंगे. तो इसी तरह से बाइसेक्ट करते हुए हम कर्व का बनाते हैं. एक बात और इसमें बताना चाहेंगे कि जैसे जब कर्व बनाएंगे तो यहाँ पर जो आप रेडियस यूज करेंगे, रेडियस तो यहाँ पर आर रहता है, और जो एंगल होता है, देखिए ये फाई होता है, तो यहाँ का जो एंगल है, ये एंगल जो होता है क्या है, फाई बाई टू होता है, ये भी हमारा फाई बाई टू है. तो जब इसको आप इसको जब बांटते हैं ना, ये जब इसको बांटे दो तरह से, तो एंगल भी इसमें बट जाएगा, ये एंगल हो जाएगा इसके लिए फाई बाई फोर, ये भी हो जाएगा फाई बाई फोर. अगेन जब आप इसको फिर से इसको बांटे दो भागों में, फिर एंगल बट जाएगा,
ये हो जाएगा 5/8 और ये भी हो जाएगा हमारा 5/8। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे कि जिस तरह से आप इसको कर्व को जिसे डिवाइड कर रहे हैं तो इस स्ट्रिच को भी डिवाइड इसमें लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सक्सेसिव बाइसेक्शन और आर्क्स को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं अपने अगले मेथड पे, बाय ऑफसेट फ्रॉम कोड प्रोड्यूस। कोड प्रोड्यूस वाला जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो आपका डिफ्लेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारा बहुत डिफिकल्ट डायग्राम दिख रहा है, ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं। किया क्या गया है कि आपको एक कर्व है, इस कर्व पे टेंजेंट खींचा गया है, ठीक है। एक टेंजेंट खींचा गया, इसका हमने ऑफसेट लिया, फिर दोबारा टेंजेंट खींचा गया, उसका ऑफसेट लिया गया, फिर यहाँ से तिबारा टेंजेंट खींचा गया, उसका ऑफसेट लिया गया। अब यही ऑफसेट नंबर 1, ऑफसेट नंबर 2, ऑफसेट नंबर 3, जो यहाँ पॉइंट मिलते जाएगा उस तरह से हम इसका हम लोग फिर पॉइंट को मिला करके कर्व बना सकते हैं। जैसे आपके पास में ये कर्व पहले से बना हुआ, यही आपका कर्व है ओरिजिनल, T1 से लेकर के R या G पॉइंट तक। इसमें आपका ये पहला टेंजेंट खींचा गया, ये दूसरा टेंजेंट खींचा गया, उसके बाद ये आपका तीसरा टेंजेंट खींचा गया, ठीक है। ये तीन टेंजेंट खींचा गया, इसमें आपका पहला ये आपका ऑफसेट आता है, ये दूसरा ऑफसेट बनेगा, यहाँ से ये तीसरा ऑफसेट बनेगा। तो ये सभी पॉइंट्स मिलेंगे, जितने भी आपके ऑफसेट बनेंगे इसी पॉइंट्स को मिला करके कर्व आपको बनाना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बनाने होते हैं, जिसको कहते हैं कि ऑफसेट फ्रॉम कोड प्रोड्यूस। कोड जितना भी आपका कोड बनेगा उस पर जो आपका ऑफसेट होगा उसी के लिए, यानी कि देखिए एक छोटा छोटा कोड यहाँ बनाते चलेंगे, ये आपका कोड हो गया, यहाँ से टेंजेंट लिए, दूसरा कोड यहाँ से बना, छोटे छोटे कोड बनाते चलेंगे, फिर इसका हमने टेंजेंट लिया, फिर तीसरा कोड यहाँ से बन रहा है, फिर इसका टेंजेंट लिया गया। इस तरह से कोड जहाँ जहाँ बनते जाएगा छोटे छोटे, वहाँ से हम लोग टेंजेंट इसका यूज करते हुए चलेंगे। तो इसको यूज जब करते हैं तो इसमें जो आपका वैल्यू मिल के आता है, जैसे ये O1 है, O1 यानी कि इसका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि कितना ये हाइट होगा। तो O1 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर आता है C1 इंटू Δ1, और अगेन Δ1 की वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाता है आपका C1/R, 2R, तो हो जाता है C1² / 2R। O2 जो यहाँ पर आता है, यहाँ से ये आ जाएगा आपका O2 बराबर आप जब निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है C2/2R, C1+C2, और यहाँ से जो आता है तीसरा ऑफसेट अगर 3 है तब O3 का मतलब आ जाएगा C3/2R, और अगेन C2+C3। जैसे जैसे आप निकालते चलेंगे उसमें आप आ जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। देखिए क्या है, O1 है तो C1² हो गया, देखिए C1 दो बार आया है, O2 है तो C2/2R, O3 है तो C3/2R, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, और यहाँ पर एक और उससे पहले वाला अभी का, और उससे एक पहले वाला 3 था तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, 2 है तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 1 है तो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अगर आपको O4 निकालना हो तो क्या करेंगे, C4/2R, C3+C2, ठीक है। तो इसी तरह से आप निकालते चलेंगे, ON पर चलेंगे तो ON बराबर हो जाएगा CN/2R, और चूंकि ये सेम होता है तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे CN-1+CN। अब ये आता कैसे है, तो देखिए यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ये आता कैसे देखिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और एनालिसिस मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो एनालिसिस करके आप रिजल्ट को वहाँ से निकाल सकते हैं। बात करते हैं पहले एंगल का, जिसमें आप देखेंगे देखिए पहले हम तो इसको डिस्कस करेंगे। एक ये भी आपको एक सर्कल का आर्क दिख रहा होगा, ठीक है, जो हमने अभी कलर किया, सर्कल का आर्क दिख रहा होगा। हम जानते हैं सर्कल में θ = L/R होता है, R यानी कि रेडियस होता है। तो इस छोटे से सर्कल का जो आपका ये सिगमेंट है उसमें रेडियस किसके बराबर है, ये B1 के बराबर है, रेडियस ही ना B1 के बराबर है। तो ये हमने जो C1 यहाँ पर लिखे हुए, C1 यानी कि B1 के बराबर होगा, ये जहाँ जहाँ से लिखे ना वो B1 हो जाएगा, B हो जाएगा। तो रेडियस हमारा किसके बराबर है, इसका B1 के बराबर। और जो आपका O1 दिख रहा है, O1 क्या है, इसका लेंथ ऑफ आर्क है, यानी कि L के जगह पर। तो थीटा यहाँ पर कितना माना हुआ है, थीटा यहाँ पर A माना हुआ है, ठीक है। यहाँ डेल्टा की जगह कितना माना हुआ है, डेल्टा की जगह यहाँ पर कितना माना हुआ है, A माना हुआ है। तो इस ट्रायंगल में, सॉरी इस सिगमेंट ऑफ सर्कल में अगर हम ये लगाएं θ = L/R तो क्या मिलेगा, देखिए थीटा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा, L की जगह क्या लिखे, O1, और R की जगह क्या लिखे, B1। तो हम यहाँ से निकाले O1 बराबर क्या हुआ, α1, इसको 1 मान लीजिए, और ये होता है B1, ठीक है। यहाँ से इतना वैल्यू आ गया,
ये पहले वाले की बात कर ली, अब इसको हमने मिटा देना है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले सिगमेंट ऑफ सर्कल का। एक ये भी तो सिगमेंट है सर्कल का, ये देखिए यहाँ पर ये भी एक सर्कल का सिगमेंट है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस है आर, कैपिटल आर है इसका रेडियस। और एक थ्योरम आप पढ़े होंगे कि अगर कोई सर्कल का रेडियस, सर्कल का सिगमेंट है और इस पर आप सिगमेंट पर आप टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जितना एंगल अल्फा होगा इसके सेंटर पर एंगल होता है 2α, तो यहाँ पर एंगल अल्फा है तो सेंटर पर एंगल है इसका 2α। तो इस सेगमेंट में भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा बराबर एल बाई आर, तो आर के जगह पर ये आपका आ गया रेडियस और एल के जगह पर इसमें क्या है बी वन है, यानी कि इस जगह पर फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 2α1, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल यानी कि बी वन और आर के जगह पर आर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बी वन बराबर क्या लिख सकते हैं, सॉरी बी वन नहीं हमको लिखना है, यहाँ से हमको क्या वैल्यू निकालना है, अल्फा वन की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अल्फा वन बराबर क्या हो जाएगा, बी वन बट्टा में टू आर। तो यहाँ पर हम अल्फा वन की जगह क्या रखते हैं, बी वन बट्टा में टू आर इंटू में बी वन, तो दोनों को मिल के हो जाएगा बी वन स्क्वायर बाई टू आर, जो यहाँ पर हमने सी वन लिखा था इसको बी वन कर दीजिए, बी वन बट्टा में, तो बी वन स्क्वायर बट्टा में टू आर, ये हमारा किसके वैल्यू आ गया, ओ वन का। यानी कि आपको इसी तरह से वैल्यू कैलकुलेट करना, ओ वन बराबर क्या आ गया, बी वन स्क्वायर बाई टू आर। इसी तरह से जब आप ये ओ टू निकालेंगे, जब आप ओ टू निकालेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगा, बी टू बट्टा में टू आर बी वन प्लस बी टू, ये वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह से आप ओ थ्री निकाल सकते हैं, ओ थ्री बराबर क्या हो जाएगा, बी थ्री बट्टा में टू आर प्लस में बी टू प्लस बी थ्री, ये वैल्यू तो मिलेगा। इसी तरह से आप जब इसको सॉल्व करते हुए आएंगे एन पर जाएंगे तो ओ एन बराबर मिल जाता है सी एन बट्टा में टू आर सी एन माइनस वन आप प्लस में सी एन, तो ये वैल्यू आपको मिल जाता है यहाँ से, जो आपका ये आपका ऑफसेट फ्रॉम कोड प्रोड्यूस के लिए है। तो आपको इतना एनालिसिस याद रखने की ज़रूरत नहीं है और ये इतना डिफिकल्ट सा फिगर भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि ऑफसेट हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अगर आप भूल जाते हैं तो इसको जरूर थोड़ा सा एक दो बार देख लीजिएगा रिपीट करके, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने सिगमेंट ऑफ सर्कल एक बार हमने यहाँ से इंक्लूड किया हुआ है और एक बार इस सिगमेंट ऑफ सर्कल को इंक्लूड किया हुआ है, इन दोनों के हेल्प से हमने इसको वैल्यू को कैलकुलेट किया, एक वैल्यू निकाल गया। सिमिलरली सभी में सेम प्रोसीजर अप्लाई होते हैं, इसलिए सबको हमने एज इट इज कर दिया हुआ है। इसको क्लियरली ज़्यादा समझ में आएगा कब, जब हम लोग न्यूमेरिकल ड्रॉ करेंगे, न्यूमेरिकल इस पर एक बनाएंगे, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें कहता है टू टेंजेंट इंटरसेक्ट एट ए चेनेज ऑफ 1000 मीटर। ठीक है, जो टेंजेंट है जो कि 1000 मीटर पे आकर के इंटरसेक्ट करता है, यानी कि चेनेज आपको दिया हुआ कितना 1000 मीटर का, द डिफ्लेक्शन एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल, कैलकुलेट ऑल नेसेसरी डेटा, सेटिंग आउट ऑफ कर्व जिसका रेडियस है 200 मीटर, मेथड ऑफ ऑफसेट फ्रॉम कोड प्रोड्यूस यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है कि किस मेथड से आपको बनाना है, और कहता है टेकिंग ए पेग इंटरवल ऑफ 20 मीटर, आपको 20 मीटर के दूरी पर आपको ऑफसेट लेना है जो कि कोड द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। करना क्या है कि माना आपके पास में एक कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे आपको जो वैल्यू दिया हुआ है, इस पॉइंट को मान लिया हमने T1, इसको मान लिया T2, डिफ्लेक्शन एंगल आपको दिया हुआ कितना 30 डिग्री, इस पॉइंट को हमने इंटरसेक्शन पॉइंट को I मान लिया, जिसका चेनेज दिया हुआ है 1000 मीटर। चेनेज का मतलब हुआ कि जहाँ से कर्व शुरू हो रहा है और उसका यहाँ का डिस्टेंस है 1000 मीटर का। अब चेनेज ऑफ T1 निकालना हो तो क्या करेंगे, टेंजेंट डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे, टेंजेंट लेंथ निकालेंगे, 1000 में से इस डिस्टेंस को घटा देंगे। टेंजेंट लेंथ का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस हुआ, जब 1000 में से यह डिस्टेंस घट जाएगा तब हम कहाँ पर आ जाएंगे, स्टार्टिंग से T1 पर पहुँच जाएंगे, और T1 में लेंथ ऑफ कर्व जोड़ेंगे तो T2 पर आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम सारा क्या निकाल देंगे, ऑफसेट इसका कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमको पेग इंटरवल मालूम चल जाएगा कितने कितने दूरी पर हमें ऑफसेट लेना होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जो डेटा हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू दिया हुआ है हमको, यहाँ पर हम फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा बराबर 30/r, थीटा हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है, और r की वैल्यू दिया है 200 मीटर, दो अलग अलग ये वैल्यू है, थीटा हम
यानी कि 530 डिग्री है और ये आर्क वेल दिया हुआ है। सबसे पहले टेंजेंट लेंथ, टेंजेंट लेंथ की फॉर्मूला होता है आर टेन डेल्टा बाई टू, तो 30 डिग्री बाई टू है तो 15 डिग्री हो जाएगा, आर की जगह पर 200। इसको सॉल्व किए तो 53.58 है, ये जीरो नहीं है, ये पॉइंट है 53.58, ये बनेगा 53.58 मीटर का। और 1000 में से इसके वैल्यू को घटाएंगे तो चेंज ऑफ टी वन पर पहुंच जाएंगे, तो चेंज ऑफ टी वन निकालेंगे और उसके बाद कर्व लेंथ निकालेंगे, टी वन से टी टू का कर्व लेंथ, यानी कि कर्व लेंथ के लिए फार्मूला जो बनता है पाई आर बट्टा 180, कर्व लेंथ का जो फार्मूला बनता है ये पाई आर बट्टा में 180 इंटू में फाई का, ठीक है। यहाँ से हम लोग फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे और कर्व का लेंथ निकाल लिए यहाँ से, उसमें जोड़ देंगे तो टी टू पे पहुँच जाएंगे। टी टू का टी वन का चेंज 1000 में से इस वैल्यू को घटाएं 53.58 को, तो 946 यानी कि पॉइंट नंबर टी वन पे, और टी वन में जोड़ देंगे हम लोग कर्व का लेंथ तो पहुँच जाएंगे टी टू पे, और ऐसा ही किए टी टू का भी चेंज हमारे पास आ गया। मतलब हमको कितना के लिए काम करना है, तो 1051.4 माइनस 946.42 मीटर, इसको घटा करके जो वैल्यू आएगा इतना ही के लिए हमको वर्क करना है, जिसमें पेग इंटरवल मानना है कितना का, 20 मीटर का, यानी कि आपको पहला डिस्टेंस आप कम पे मान लीजिए, उसके बाद 20-20 मीटर का इसको मानते चलिए, और लास्ट वाला भी थोड़ा सा आपका मैनेज करना हो जाता है। तो इस तरह से हम दोनों का क्या करेंगे, पेग इंटरवल निकाल लेंगे कि पेग इंटरवल आखिर आएगा कितना। तो पहले हमारा आ गया कितना, 946.42। तो मान लेते हैं कि पहला जो इंटरवल होगा, यानी कि यहाँ से चेंज जो शुरू हुआ है, ए से डिस्टेंस है 946.42 मीटर का, तो कहता है कि आप कर्व यहाँ से तो शुरू कर दिया, पहला इंटरवल कहाँ पे रखें, तो ऐसा करना होगा कि राउंड फिगर बने वैल्यू, तो पहला इंटरवल हम मानते हैं 950 मीटर पे, तो 946 से स्टार्ट किए, दूसरा हम गए 950 पे, तो 946.42 इसमें से घटाएंगे, 946.42 मीटर घटाएंगे, कितना आ जाएगा ये 3.58, तो 3.58, तो पहला जो आएगा इंटरवल के नाम पे 3.58 आया, और बाकी इसके बाद हम लोग क्या किए, 20-20 मीटर का 20-20 मीटर का इंटरवल हम लोग देते चले गए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 20-20 मीटर का इंटरवल दीजिए, कब तक, जब तक हम इसके नज़दीक नहीं पहुंच जाते, किसके नज़दीक, 1051 के नज़दीक नहीं पहुंच जाते। देखिए 950 से शुरू किए, दूसरा कितना आएगा 970, 990, 990 में कितना आ जाएगा 1010, ठीक है 1030, 1030 के बाद आ जाएगा 1050, ठीक है, तो 1050 के बाद फिर लास्ट में आ जाएगा 1051, 1051.4, तो लास्ट वाला हमारा 21.14 हो जाएगा, तो 1050 के जगह पर 1051.14 हमें लेना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 21.14। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो ऑफसेट है C1 की वैल्यू, या B1 जो भी आप माने हुए थे, तो B1 की वैल्यू आ गया कितना 3.58, एंड बाद में जितना भी ऑफसेट होगा B2 बराबर, B3 बराबर, B4 कितना आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा, 5 के करीब में आएगा, 4 B5 के करीब में, एंड लास्ट वाला जो होगा B6 वाला, ये आ जाएगा कितना 21 पॉइंट, ये हो जाएगा सब 20 मीटर का, और लास्ट वाला हो जाएगा 21.14 मीटर का। तो इन सभी को रख के हम लोग क्या निकालना है, ऑफसेट निकाल लेना है, ठीक है। तो उन सबको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि ऑफसेट हम लोग का कैसे निकलता है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आपको जो डेटा आपको पता है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, फॉर्मूला अगर याद है और 2-3 बार आपका अगर प्रैक्टिस किया हुआ है तो क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं रखा, हाँ, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन ये बहुत जल्दी समझ में नहीं आने वाला है, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ तो। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कब तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, तभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हमने C1 निकाला, उसमें से घटाया तो 3.58 मीटर, और उसके बाद का जितना भी आ गया C1 C2 के बाद सब 20 मीटर का इंटरवल रहने वाला है, और लास्ट इंटरवल जो होगा वो आपका आएगा ये 50 के बाद 1.4 मीटर का, या फिर आप 21 पॉइंट समथिंग ले लीजिए 21.4 का, या फिर जब इसको 20 ले लिए तो ये 7 जो होगा 1.4 का होगा। अब जो आप फॉर्मूला जानते हैं कि कितना आया था आपका C1 स्क्वायर बाई 2R पहले का ऑफसेट O1, तो C1 की जगह क्या रखेंगे हम, ये 3.58, और मिडिल वाले जितने थे C2, C3, C4, C5, C6 सबके लिए तो C1 की वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उसकी वैल्यू को हमने पुट किया, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है C2 स्क्वायर बाई 2R था, यानी कि C1 प्लस C2 था दूसरे के लिए, तो 2R के जगह पर देखिए 2×R है, और ये फर्स्ट प्लस ये सेकंड, और आगे में जो है इसका जो कॉम्बिनेशन है आगे का 20 का, उससे हम लोग मल्टीप्लाई किए हुए। तो इस तरह से वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, और
O2 से O6 तक का ये वैल्यू आएगा, सेम ही रहेगा। O3 भी आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। O3 से O6 तक का ये सेम आने वाला है, क्योंकि सब कुछ इसमें सेम आने वाला है। लास्ट जो होगा उसमें 1.4 से हम लोग करेंगे, क्योंकि 1.4 हमारा लास्ट है पेग इंटरवल का, और यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0.06 आया, लगभग जीरो के बराबर भी आता है। अगर ये जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा चेक जो है ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ऑफसेट वाला ये पहले के लिए था, और ये आपका O2 दूसरे के लिए है। पहला और दूसरा आपका अलग आएगा, ठीक है, पहला दूसरा अलग आएगा, बाकी इसके बाद सबका सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि ये स्क्वायर बटा 2R था, और C1 प्लस C2 का इधर कॉम्बिनेशन है, इसलिए दोनों में वेरिएशन आएंगे। और इसके बाद जितने थे सब में, चूँकि कॉन्स्टेंट होता है पेग इंटरवल, तो सबके लिए ये सेम ही रह जाता है। तो इस तरह से आप फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं अपने आखिरी टेंजेंशियल एंगल यूजिंग ए थियोडोलाइट का। थियोडोलाइट का मेथड में भी एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको दिखेगी, ठीक है। यहाँ भी हम लोग उसी मेथड को फॉलो करते हैं। यहाँ पर भी आपको दो कर्व दिखेंगे, यहाँ पर भी सेगमेंट दिखेगा कर्व का, लेकिन यहाँ पर उतना टफ आपको कैलकुलेशन नहीं करना होगा। क्या करना होगा इसमें, देखिए दो चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी कि पहला जो यहाँ पर कोड यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है, उसके लिए दो एंगल है। एक है यहाँ का डेल्टा, और ये है Δ1। दूसरा जो आपका कोड है इसके लिए है Δ2 की वैल्यू, और तीसरा के लिए कोड है Δ3 की वैल्यू। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले के लिए Δ1, कैपिटल Δ1 ही आपका मेन एंगल है, ये हो जाएगा स्मॉल Δ1 के बराबर। लेकिन जब ये Δ2 की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर स्मॉल Δ2 भी लिखा हुआ है, यहाँ पर Δ2 भी, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये Δ2 जो होगा ये आपका आ जाता है Δ1 प्लस Δ2। यानी Δ2 किससे मिलकर बना है, ये Δ1 यहाँ का जोड़ेंगे तब हम इसके बराबर पहुँचेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये Δ1 किसके बराबर होगा, तो इससे पहले हमारा एक ही एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वेट होते हैं। लेकिन ये जब Δ2 की बात आएगी तो कौन कौन को जोड़ेगा, Δ1 को भी जोड़ेगा और Δ2 को भी जोड़ेगा, तब हम यहाँ तक पहुँचेंगे। सिमिलरली Δ3 को जब आएगा बारी, तो इसमें कितना कितना जोड़ेगा, Δ1 Δ2 या Δ3 होगा, यहाँ पर Δ3 आया तो हो जाएगा Δ1 Δ2 Δ3। अब ये सब है क्या, Δ1 Δ2 Δ3, तो यहाँ भी हम यही इक्वेशन लगाते हैं θ = L/R का। यहाँ से हमें मिलता है 2Δ1/C1 बराबर 360/2R, 2πR, 360/2πR पहले केस के लिए। सिमिलरली दूसरे केस में भी आते हैं 2Δ2/C2 360/2πR। तीसरे में आएंगे ऐसे ही, जितना भी है चलते जाएंगे Δn तक जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा Δn इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं Δn/Cn 360/2πR। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके Δn की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, Δn इज इक्वल टू 360/4π, चूँकि यहाँ भी 2 रहता है, 4π इंटू Cn/R। ये आपका कॉमन इक्वेशन आता है, जिससे जनरल इक्वेशन है, जिसके हेल्प से हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, ठीक है। ये जो आप कॉम्प्लेक्स का डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा बना हुआ है, क्योंकि इसमें कोड को यूज किया गया है, और जितने भी इंटरनल एंगल हैं उन सभी को भी इसमें एक साथ दिखाया हुआ है। आपका मेन फोकस होना चाहिए इस फॉर्मूले पर, यानी कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला सॉल्व किया गया है, देखिए ये 2Δ1 जो है वो C1 इसका क्या है कि C1 आपका जो कोड प्रोड्यूस है कोड के लिए, एंड 360 जो है पूरे सर्कल को डिनोट करता है, मतलब पूरे सर्कल पे एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री पे इसका लेंथ कितना है तो 2πR होता है। 360 डिग्री पूरे सर्कल का लेंथ होता है, और सर्कल का इसका परिधि कितना होता है तो ये होता है 2πR। मतलब हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर लिखे हैं टोटल एंगल एंड यहाँ क्या लिखे हैं टोटल लेंथ। ये हमारा पूरे सर्कल के लिए आ गया। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्या लिखा हुआ, यही काम हम लोग ये छोटे वाले के लिखे हैं, ये तो बड़े वाले के लिए काम करती हैं,
यही काम हम लोग छोटे वाले के लिए हैं। टोटल एंगल यहाँ पर क्या है, 2 डेल्टा 1, और टोटल लेंथ यहाँ पर कितना है, C1 है। एक छोटे सेगमेंट के लिए, छोटे सेगमेंट के लिए हमारे पास टोटल एंगल कितना है, 2 डेल्टा 1, और टोटल लेंथ कितना है, C1 है। तो जो रेशियो यहाँ पर 2 डेल्टा 1 बाई C1 का रहेगा, वही रेशियो आपका 360/2πr का रहने वाला है। तो इसी तरह से हम लोग इस चीज को यहाँ पर कैलकुलेट किए हुए हैं। बात करते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल का, आपको इससे ज़्यादा क्लियर होगा। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और जहाँ से इस चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके कुछ प्रोसीजर है, हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोसीजर के बारे में। जैसे कहता है कि 2 टेंजेंट इंटरसेक्ट एट ए चेन एज 1190 मीटर, 1190 का है, डिफ्लेक्शन एंगल है 36 डिग्री का, कैलकुलेट ऑल नेसेसरी डेटा फॉर सेटिंग आउट ऑफ ए कर्व, और रेडियस 300 मीटर का रेडियस दिया है, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से इसको सॉल्व करना है। इस मेथड को डिफ्लेक्शन एंगल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको टेंजेंट लेंथ निकालना होगा, तो टेंजेंट लेंथ होता है आर टेन डेल्टा बाई टू, ठीक है। तो डेल्टा बाई टू का मतलब क्या है, 36 डिग्री आपको डेल्टा दिया हुआ है, एंड डिवाइड बाई टू करें तो 18, तो इसकी वैल्यू आ गई 97.48 मीटर का। चेनेज ऑफ टी वन का आपको चेनेज यहाँ पर, मतलब कि आपका ये जो कर्व है, इस कर्व में ये आपका T1 आ गया, ये T2 होता है। तो टोटल आपको जो एंगल दिया ये 36 डिग्री का है, तो यहाँ का इंटरसेक्शन एंगल ये होता है आपका है टेंजेंट लेंथ। तो टोटल चेनेज आपका 1190 का, यहाँ का वैल्यू है 1190, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक की वैल्यू है 1190। तो 1190 में से इस वैल्यू को अगर घटा देंगे तो कहाँ जाएंगे, T1 पे आ जाएंगे। तो घटा दिया तो हम लोग T1 पे आ गए, और लेंथ ऑफ कर्व निकाल लिया वही πr/180 × φ करके, और यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट किया तो लेंथ ऑफ कर्व यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी हमको पता चल गया 188.5, जो कि T1 में जोड़ेंगे तो पहुँच जाएंगे हम लोग T2 पे। तो T2 का हम लोग चेनेज यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि T2 का चेनेज आ गया, तो हमारा डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी होगी। तो डेल्टा 1 हम लोग फार्मूला से वही निकालेंगे, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 360/4πC1/r। तो यहाँ पर आप लोग 360/4π की वैल्यू यहाँ पर यूज किए हुए 4 × π, तो देखिए 360 × C1 है, तो C1 की वैल्यू यहाँ पर 17.48 यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया, इसमें पेग इंटरवल की बात किया गया 30 मीटर का। कर्व शुरू कहाँ से करना है, कर्व शुरू करना है 1092.52 मीटर से, ठीक है। यहाँ से कर्व का स्टार्टिंग करना है, और कर्व को एंड कहाँ करना है, तो 1281.02 मीटर पे कर्व का एंडिंग करना होता है। तो कहता है कि आपको बीच में जो रखना है वो 30-30 मीटर का दूरी रखना होता है, पेग इंटरवल बोला है 30 मीटर का रखना होता है। तो 92 है, तो कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग और लास्ट में थोड़ा बहुत मैनेज करना होगा, तब तो हम राउंड फिगर पे पहुंचेंगे। तो यही कहता है कि पहला पहुंचा इसमें 17.48 यानी कि 1110 पर, 1092 है तो 1110 मीटर पे गया। उसके बाद 30-30 मीटर पे आया, 1140 पे आएगा, फिर 1170 पे आएगा, ठीक है, फिर 1200 पे आएगा, तो इसी तरह से 1230, 1260 और लास्ट में 1281.02 था। तो पहले जो राउंड फिगर रेट में गया उसको यहाँ से घटाया तो आता है 17.48 का। तो इसको वैल्यू यहाँ पर पुट किया 360/4 × 3.14, C1 के जगह पर 17.48 और R के जगह पे जो आपका वैल्यू दिया हुआ है 300 मीटर, इसको सॉल्व किया तो आ गया इसके पास 1 डिग्री 40 मिनट 9.18 मिनट का। तो इस तरह से वैल्यू को आपको सॉल्व कर लेना होगा, और जो आपका इंटरवल है ये इंटरवल आपको यहाँ तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आपको इंटरवल इतना रखना है, अदरवाइज ये आप सिलेक्शन खुद का ही होता है कि पेग इंटरवल आप 20 मीटर पर रखेंगे वो भी सही है, 30 मीटर पर रखेंगे सही है, 50 मीटर पर रखेंगे सही है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो आपको उतना ही दूरी पे रखना होगा। सिमिलरली इसके बाद हम लोग 30-30 मीटर का इंटरवल रखते हैं, तो उसके लिए सॉल्व करते हैं, तो आपको वैल्यू आ जाता है 2 डिग्री 51 मिनट 53.24 सेकेंड का। तो सारा डेटा यहाँ पर सेम रहने वाला है, इसलिए सब आपस में बराबर होते हैं, लास्ट वाला सेम नहीं होगा। देखिए फर्स्ट यहाँ पर अलग होगा, लास्ट अलग होगा, बाकी बीच वाला एक जैसा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट होता है, किसकी वैल्यू, और पेग इंटरवल की वैल्यू यहाँ पर कॉन्स्टेंट होते हैं। तो लास्ट वाला भी देख लेते हैं, तो लास्ट वाला पर हम लोग को रखना होगा 21.2, शुरू वाले में कितना रखें 17.48, बीच वाले में कितना रखना है 30 रखे हुए हैं, और लास्ट वाले में रखें 21.2 का।
अब जितना वैल्यू आप निकाले हैं इन सबको एक टेबल में सजा लेते हैं ताकि थोड़ा सा देखने में भी और पढ़ने में भी सहूलियत हो, चेक करने वालों को भी सहूलियत हो कि हाँ भाई आपने काम क्या किया है। तो उसको टेबल बनाने के लिए इसमें हम लोग सबसे पहले पेग नंबर जैसे पहला के लिए काम किए, चेनेज कितना पर गए 1110। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चेनेज वह डिस्टेंस होता है जहाँ पर हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट 1092.52 मीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। क्वेश्चन कहता है कि आपको 30 मीटर का इंटरवल रखना है, तो कहीं तो हमको राउंड फिगर करना होगा। आप देखिए अगर यहाँ पर आप 1100 पे भी बना देते यानी कि कितना हो जाता 7.48, इसमें जोड़ेंगे 7.48 तो आपका बन जाएगा 1100। तो 1110 ना रख करके 1100 पर भी बनाते वो भी आपका सही था, वो भी गलत नहीं था, बशर्ते कॉर्ड लेंथ यहाँ पर 7.48 हो जाता उस वक्त, बस डाटा चेंज हो जाता और कुछ डिफरेंस नहीं रहता इसमें। लेकिन दूसरा जो बनता आपका 1130 का बनता, फिर 1160 का बनता, 1190 का बनता, फिर 1220 का बनता, 1250 का बनता, 1280 का बनता। हमको चाहिए कितना 1281.2, लास्ट में हमको रखना पड़ता 1.02 मीटर का, इतना हमको वैल्यू रखना पड़ता 30-30 मीटर आगे हम लोग बढ़ते जाते थे। लेकिन हमने क्या किया इसमें 1110 पर हमने बनाया, तो आप 1100 भी बना सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं था। तो ये सिलेक्शन आपका खुद का होता है कि आप कितना उसमें स्टार्टिंग में और कितना लास्ट के लिए आप बचाते हैं, और आंसर जो है वो सबका सेम ही रहता है, वो चेंजेस नहीं होते। तो इसके लिए हमने जो पेग इंटरवल यूज किया है, पहले के लिए 17.48, तो वहाँ कोड लेंथ हमने लिख दिया यहाँ पर, ये इतना का आएगा कोड लेंथ, चेंज हो जाएगा पहले के लिए। उसके बाद टेंजेंशियल एंगल जो आप सॉल्व किए 1 डिग्री 40 मिनट 9.18 सेकेंड, तो हमने जब बताया था कि डेल्टा वन होता है पहले के लिए, तो ये दोनों हमारे आपस में सेम होगा। लेकिन जब आप सेटिंग करेंगे थियोडोलाइट में तो ये 9.18 सेकंड नहीं होता है, उसका जो लिस्ट काउंट होता है ना 20 मिनट का होता है, 20 सेकंड का होता है। तो आप या तो इसको 20 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, और नहीं है 20 के करीब रहता तो 20 के मल्टीपल में 20 लिख देते, 20 से कम है, 10 से भी कम है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो इसको यहाँ पर राउंड फिगर किया गया है और कुछ नहीं किया गया। यह टेंजेंशियल एंगल जो आपका वैल्यू आया हुआ है, और ये जोड़ करके वैल्यू होता है, टोटल जोड़ने के बाद होता है, तो अभी कुछ नहीं है, अकेला है तो अकेले ही जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, और ये है इसका राउंड फिगर वैल्यू। सेकंड वाला में देखिए यहाँ से 30 जोड़ दिए, 30 यहाँ पर लिख दिए, 30 जोड़े तो आ गया 1140। इसको सॉल्व किए तो आ गया 2 डिग्री 51 मिनट 53.24 सेकेंड। अब क्या करेंगे, इसके लिए जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि डेल्टा टू जो होता था डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू होता था, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़े तो हमारे पास ये वैल्यू आया। अब इसको राउंड फिगर करेंगे, देखिए 2.42 है, तो फिर हमने जीरो कर दिया। क्यों किया? क्योंकि 2 सेकंड का सेटिंग होता ही नहीं है, मिनिमम 20 सेकंड का सेटिंग होता है, तो यहाँ भी 4 डिग्री 32 मिनट, इसको हमने राउंड फिगर कर दिया। इसी तरह से हम लोग सारा कैलकुलेट किया, कितना करेंगे 7 तक 7 है हमारे पास में, 7 डाटा है, क्योंकि डेल्टा 7 है, डेल्टा 7 पर आया है 21.2 का इंटरवल, और 21.2 पर आएंगे तो हमको एज इट इज डेटा मिल जाएगा 180 डिग्री, जो कि एक स्ट्रेट लाइन को बताता है, यानी कि तब हमको ये लाइन हमको मिल जाएगा यहाँ से, तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो काम हुआ है वो एक्यूरेट हुआ है। अब यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा ये सब आपको जोड़ते चलेंगे, देखिए इसमें आप जोड़ेंगे 7 पॉइंट समथिंग में, इस वैल्यू को जोड़ते चलिए, यहाँ से इसको जोड़ेंगे आपको ये मिलेगा, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका राउंड फिगर है। जैसे 48.9 सेकेंड है तो 20 होगा, 40 होगा या तो 60 हो जाएगा, तो ये किसके करीब में है, 40 हमने लिख दिया इसका। 42.14 है, 40 के करीब है, 40 लिख दिए। 35.38 है, 40 के करीब है, 40 लिख दिए। तो ये जो सेटिंग होता है 20 सेकंड के रिस्पेक्ट में होता है थोडोलाइट का, तो हम लोग इसको राउंड फिगर करके वैल्यू को लिखते हैं। तो यही क्वेश्चन है आपको यहाँ से डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आपको टफ ये क्वेश्चन तभी लगेगा जब आप ये पहली बार पढ़ रहे हो और आपने प्रैक्टिस अगर नहीं किया है तो, अदरवाइज क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, करना कुछ नहीं है इसमें, करना बस यही है कि आपको इसका पहले सेटिंग आउट करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा चेंज ऑफ T1, कर्व लेंथ निकाल के चेंज ऑफ T2, यानी कि काम कहाँ से शुरू करना है वो तो जानना जरूरी है, कहाँ पर ख़त्म करना है वो भी जानना जरूरी है, और उसके बीच में कितना दूरी आप मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया 30 मीटर का लेना तो आपको तो फिर मजबूरी है लेना, लेकिन अगर ये फाउंडेशन नहीं है तो आप 5 मीटर पर भी बना सकते हैं, 10 मीटर पर भी बना सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस रहती है।
डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का, जो कि बताता है ऑब्स्टेकल इन सेटिंग आउट कर्व के बारे में। तो सेटिंग आउट कर्व करने में क्या क्या आपको ऑब्स्टेकल इसमें आते हैं, क्या क्या इसमें बाधाएं आती है, उसके बारे में आपको जानना होगा। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा हुआ, कर्व को बनाते समय क्या क्या बाधा आता है। तो टोटल 5 से 6 तरह का इसमें बाधाएं आती है, जिसमें पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है आने वाले एग्जाम में, वो है व्हेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइन इज इनएसेसिबल। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि जैसा ये आपका कर्व है, इस कर्व को, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहता है कि जो स्ट्रेट लाइन है ए बी और ये बी सी, ऐसी जगह पर मिल रहा है जहाँ पर जाना संभव नहीं है, ये इनएसेसिबल पॉइंट है, यहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं। तो पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन हमको कर्व को तो सेट आउट करना है, कर्व को यहाँ से ले जाना होगा हमको। तो करेंगे क्या, जो आपका लॉन्ग कोड है, इस लॉन्ग कोड में आपको क्या करना होगा कि इसी के बराबर आपको एक यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा, ठीक है। एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना होगा, और इस पैरेलल लाइन में ड्रॉ करते हुए आपको जो एंगल है, इस एंगल को सॉल्व करके फिर इसका आपको सेटिंग आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए, व्हेन द इंटरसेक्शन फॉल्स इन द लेक, रिवर और वुड। जब ये इंटरसेक्शन आपका किसी तालाब में आ जाए, किसी नदी के पास आ जाए, किसी लकड़ी वाले जगह पर आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, ए बी और बी सी टू टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। ऐसा माना कि बी पर इंटरसेक्ट करता है, T1 और T2 क्या है, दो ये टेंजेंट पॉइंट है। इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल फाई, ये डिफ्लेक्शन एंगल फाई किसके बराबर होगा। तो कहता है कि ये जो डिफ्लेक्शन एंगल फाई होता है, ये दोनों अल्फा और बीटा के जोड़ने के बराबर होगा, यानी कि फाई बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। अब फाई निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हमको एम और एन जो है, इसको हमने कैलकुलेट करना होगा। प्रोसीजर इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एम और एन, यानी कि देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हमको एम और एन को फिक्स करेंगे। प्रोसीजर मैं अभी बता देता हूँ आपको, इस लाइन के पैरेलल M1 N1 जो है, इस लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन आपको फिक्स करना होगा, जो कि यह एपेक्स डिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर होगा, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इससे आप थोड़ा सा नीचे होगा, जो इनएसेसिबल पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल अल्फा होगा, इसके बीच का एंगल आप बीटा मानेंगे। इस एंगल को आप साइन रूल से आप इसको यूज कर सकते हैं, साइन रूल से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस वहाँ से आप अल्फा और बीटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं साइन रूल अप्लाई करने के बाद। कैसे करेंगे, जब आप इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, एम और एन सूटेबल टेंजेंट है ए बी और बी सी के लिए, तो एम और एन इंटरविजिबल रहेंगे, लाइन एम एन रन्स, उसी के बारे में लिखा हुआ है कि एम और एन को एक्यूरेटली आपको पहले आपको फिक्स करना होगा, और एम पर इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे और एंगल थीटा 1 बनाएंगे, सिमिलरली एन को इंस्ट्रूमेंट पर सेट करेंगे और वहां से थीटा 2 एंगल निकालेंगे। थीटा 1 थीटा 2 क्या है, एम पर थोडोलाइट को सेट किए, ठीक है, और हमने क्या किया, एन एम और ए के बीच का ये एंगल हमने थीटा 1 माना। सिमिलरली एन पर एंगल को सेट किए और इस लाइन के बीच में हमने एंगल को कैलकुलेट किया। कहीं पर भी हम इसको सेटिंग करेंगे तो इसके बीच का ये आपको लाइन आपको पता है, देखिए ये आपको लाइन पता है, यह लाइन आपको पता है, तो इसके बीच का एंगल तो पता हो सकता है ना। तो इसी तरह से यहाँ का भी एंगल पता चलेगा, थीटा 1 थीटा 2 पता चल गया। अब आपको अल्फ़ा निकालना है, तो हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर मैक्सिमम एंगल कितना होता है, 180, तो हम अल्फ़ा को लिख सकते हैं। अल्फ़ा क्या होगा, टोटल इस एंगल का वैल्यू हमको पता है थीटा 1, ये एंगल नहीं पता, तो लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर क्या होगा, 180 माइनस अल्फा 1, सॉरी ये थीटा 1। सिमिलरली ये बीटा बराबर क्या लिखेंगे, बीटा बराबर ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी हो जाएगा 180 माइनस थीटा 2। तो यही काम करेंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BMN, यानी कि ये जो ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल BM और N, इस ट्रायंगल में कहता है कि BMN किसके बराबर है, BMN ये अल्फा किसके बराबर होगा, टोटल एंगल होता है यहाँ से यहाँ कितना, 180, तो 180 में से हमको क्या घटाना होगा, 180 में से हमको क्या घटाना होगा, टोटल एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, इस 180 में से थीटा 1 अगर हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अल्फा। सिमिलरली BMN, बी से एन और एम की वैल्यू, यहाँ से बीटा की वैल्यू, बीटा आ जाता है 180 में से ये थीटा 2 घटा सकते हैं। अब डिफ्लेक्शन एंगल जो होगा ये फाई जो है, डिफ्लेक्शन एंगल किसके बराबर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो टोटल हमारा टोटल एंगल कितना होता है, पूरा एंगल सर्कल का 360,
और 360 में से इसको घटाएंगे मेजर्ड एंगल, तो मेजर्ड एंगल हमारे पास कितना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का। इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे किसके हेल्प से, BMN को सॉल्व करेंगे और BN और BM की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइन रूल। साइन रूल से BM की वैल्यू आती है और साइन रूल से आपका BN की वैल्यू इतनी आती है, B से M का डिस्टेंस, B से N का डिस्टेंस इतना कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपका टेंजेंट लेंथ, यहाँ से टेंजेंट लेंथ में से इसकी वैल्यू को घटाएंगे तो आप आ जाएंगे चेंज नंबर T1 पे, चेंज नंबर T2 पे, और यहाँ से जब चेंज मिल जाएगा लेंथ ऑफ कर्व मिल जाएगा, फिर से वही सेटिंग करना है जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं। उसके बाद वही फॉर्मूला है, टेंजेंट लेंथ आपको यूज करना है, टेंजेंट लेंथ के बाद आपका आपको T1 MT1 यानी कि चेंज सभी पॉइंट का चेंज आपको कैलकुलेट करना है, और उसके बाद आपका T1 को लोकेट करना होगा जहाँ से आपको कर्व बनाना शुरू करना है। सिमिलरली T2 पॉइंट को भी आपको लोकेट करना होगा जहाँ पर कर्व आपका एंड होना है, और यहाँ पर जैसे आपको पहले आपको M और N दो पॉइंट को सेलेक्ट करना है जो कि इस M1 और N1 पॉइंट के बिल्कुल पैरेलल होगा। M पॉइंट पर थोटो लाइट रखना है, ये एंगल निकालिएगा, N पॉइंट पर थोटो लाइट रखना है, इस एंगल को निकालना है, इसको थीटा 1 माने, इसको मानते हैं थीटा 2। ये एंगल आपको चाहिए अल्फा, तो इसको लिखेंगे क्या 180 माइनस थीटा 1 क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। इस एंगल को भी लिखेंगे 180 माइनस थीटा 2 क्योंकि यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन बनता है। यहाँ का जो होगा फाई, फाई बराबर क्या होगा, इन दोनों का जोड़ करके यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद हमको इसका डिस्टेंस मिल जाएगा बी से एम का, बी से एन का अप्लाइंग साइन रूल अप्लाई करेंगे तब। अब साइन रूल अप्लाई होगा कैसे, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पर पता चलेगा कैसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम टेंजेंट लेंथ निकालेंगे, टेंजेंट लेंथ में से इस BM की वैल्यू को घटा देंगे तो हम आ जाएंगे कहाँ पे, M1 पॉइंट पे। उसमें कर्व लेंथ को जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, N1 पॉइंट पर, और यही आपका डाटा आपको मिल गया तो पता चल जाएगा कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, कर्व का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, और उसके बाद आपको जो पांचों में से सुटेबल फार्मूला लगता है उसको यूज करके कर्व का फिर सेटिंग आउट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको यहाँ तक में कोई डाउट अगर आता है तब आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, या हमारा यूट्यूब चैनल जो है सिविल समझ, यहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी इससे रिलेटेड के बहुत सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी केस हो सकते हैं, देखिए यहाँ जो ये कर्व है इसमें क्या क्या और भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक तो ऑब्स्टेकल आपने देख लिया, एक आपने ऑब्स्टेकल देखा क्या कि जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपका मतलब कि यहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो, इनएक्सेसिबल हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा कहता है कि PC इज इनएक्सेसिबल, इस पॉइंट को PC कहा जाता है, यहाँ पर ये इनएक्सेसिबल नहीं है, यही इनएक्सेसिबल होगा, इसी पॉइंट पर आप नहीं पहुँच पाएंगे, यही आपका पानी होगा, लकड़ी होगा या गड्ढा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको देखिए क्या करना होगा, एक ऐसा सिलेक्शन करेंगे पॉइंट का, एक ऐसा पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे जो कि ये ऑब्स्टेकल से पहले एक पॉइंट हो, मानते हैं ए पॉइंट, और ऑब्स्टेकल के बाहर एक पॉइंट हो, मानते हैं इसको बी पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ये ए बी क्या है, इंक्लाइंड लाइन है, और यहाँ पर आपको एक इस तरह से पॉइंट का सिलेक्शन करना है कि 90° एंगल यहाँ पर बनता हो, क्लियर है, 90° एंगल यहाँ पर बनता हो, इस तरह से पॉइंट का सिलेक्शन करना होगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ए बी को लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, बी से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आप नाप सकते हैं, और ए से यहाँ तक का डिस्टेंस आप नाप सकते हैं, तो बी से ए का डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। फिर यहाँ पर चलेंगे हम, आ जाएंगे पॉइंट नंबर B1 पे, और यहाँ से आप टेंजेंट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और टेंजेंट डिस्टेंस में से इसको घटाएंगे तो पहुँच जाएंगे हम लोग कहाँ पे, T1 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग जब यह पॉइंट इनएक्सेसिबल हो। तो दूसरा कहता है जब PT इनएक्सेसिबल हो, मतलब कि ये यहाँ पर पहुँच रहे हो, और यही सारा काम हम लोग यहाँ पर करेंगे जब आपका PT इनएक्सेसिबल होगा, यानी कि यह पॉइंट, इस पॉइंट पर पहुँचना अगर कठिन हो रहा होगा तब। यहाँ भी हमको सेम प्रोसीजर करना होगा कि आपको यह पॉइंट AB लेंथ निकालना होगा, और यहाँ से जब आप टेंजेंट लेंथ निकाल लेंगे तो टेंजेंट लेंथ में से इस AB को घटा देंगे, टेंजेंट लेंथ में से आपका जो चेंज होगा उसको हटा देंगे तो आप आ जाएंगे T1 पे, और इस AB का लेंथ भी आप इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएंगे हम अपने इस पॉइंट पर। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगला कहता है कि दोनों दोनों इनएसेसिबल हो, ये पीसी भी इनएसेसिबल होगा और पीटी भी इनएसेसिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि आप बोथ पीसी एंड पीआई इनएसेसिबल हो, ये पीसी होता है, ये पीटी होता है और ये आपका पीआई होता है। कहता है कि पीसी और पीआई इनएसेसिबल होगा, तो मतलब आपस में ही इसको रिलेट किया हुआ कि एक से ज़्यादा भी इनएसेसिबल हो सकता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट्स नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया हुआ है। और ये आपका पहला वाला केस जो था ये इंपॉर्टेंट था, जो ये इंटरसेक्शन था, ये अगर इनसे इनएसेसिबल होता है तब, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो ये थे यहाँ तक का क्वेश्चन जो कि आपको इसमें पढ़ने थे, कर्व में पहला। इसके बाद आता है कंपाउंड कर्व, तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल्स जो है आपको यहाँ पर कहा गया है कि इनएसेसिबल पॉइंट है, टू स्टेट है, ए बी और बी सी। आप इसको सॉल्व किया हुआ है, मानते हैं कि ये आपका ए पॉइंट है, बी है और सी है, दो स्टेट लाइन्स हैं, दो स्टेट लाइन है ए बी और बी सी, जहाँ पर बी पॉइंट जो है इनएसेसिबल है, ये आपका इनएसेसिबल पॉइंट है, कनेक्टेड बाई ए सिंपल सर्कुलर कर्व ऑफ 600 मीटर रेडियस। एक कर्व से आपका कनेक्टेड है जिसका रेडियस है 600 मीटर का। इसमें दो पॉइंट है पी और क्यू, सेलेक्ट किया गया है ए बी और बी सी लाइन पे, इस पी क्यू को सेलेक्ट किए हुए हैं, जो कि एक लाइन पर ए बी लाइन पर है और दूसरा है बी सी लाइन पे। यहाँ से आपको एंगल दिया हुआ है ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये एंगल दिया है 150 डिग्री, और दूसरा दिया है सी क्यू पी 160 डिग्री, सी क्यू पी 160 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, आप इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, एक बार खुद से ट्राई करेंगे। इसके लिए मैं आपको अगले क्लास में फिर मिलूंगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।